लो स्कोरिंग गेम्स तो इस T20 वर्ल्ड कप में हमें कई सारे देखने को मिले हैं, लेकिन लो स्कोरिंग में डिफेंड जो टीम ने सक्सेसफुल कर ली हो वो बहुत ही चुनिंदा अभी तक हमें देखने को मिले हैं। टक्कर वगैरह जरूर हुई है, लेकिन ज्यादातर जो है वो चेस करने वाली टीम ही जीती है। लेकिन यहाँ पर महज 120 रन के इंडियन टीम ने यहाँ पर डिफेंड कर दी है पाकिस्तान के सामने। जी हाँ, और एक वक्त में बहुत स्ट्रांग पोजिशन भी थी पाकिस्तान, उसके बाद जिस तरह से बिल्कुल वापसी की है इस गेम में वो कमाल कर रहा है, कंप्लीट तरीके से आउट कमेंटेबल कर एफर्ट, दिया। यहाँ पर खास करके बॉलर्स की हम यहाँ बात बिल्कुल करेंगे, सही। जो जी इंडियन हाँ, बॉलर्स रहे हैं उनका कमेंडेबल परफॉर्मेंस रहा है, और मैच 120 रन को उसने डिफेंड किया है वो बहाल कमाल करा है। जो बहाल एक एग्जांपल आप देखें, जैसे अभी कल की बात है, नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक लो टोटल डिफेंड करने की जी हाँ, कोशिश की, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका पीछे बांग्लादेश, श्रीलंका बांग्लादेश, श्रीलंका ने टक्कर दी लेकिन हुआ नहीं। और उससे पहले हम देखें नेपाल नेदरलैंड जो मैच हुआ था 4 तारीख को, मेरे ख्याल बिल्कुल से उसमें भी नेपाल ने कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। और लेकिन यहाँ पर फाइनल श्रीलंका ने फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोशिश की, वहां जी पर मैच को एंड तक ले जाने, बिल्कुल तो बहुत ही कम बहुत ही स्कोर था, कम फील्ड ये बाकी सब तो 100 से ऊपर बिल्कुल का जी जी स्कोर हाँ था, जी हाँ लेकिन नहीं हुआ। लेकिन इंडियन टीम ने फाइनली आखिरकार वो बिल्कुल करके बिल्कुल दिखाया, ये बॉलर्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस की बदौलत ये चीजें हुई है। लेकिन इस मैच में भी क्या क्या चीजें रही हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत खराब रही, किन रीजंस की वजह से वो इस गेम को हारे हैं, और दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो क्या क्या खामियां उनमें भी नजर आई है इस जीत के बावजूद भी, उस पर ही बात करेंगे, और क्या क्या बॉलरों ने बेहतरीन किया उस पर ही बात करेंगे। जी हाँ, जीत जरूर मिली इंडियन टीम को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बहुत क्लिनिकल खेला हो। जो बहुत सारी गलतियां हैं जो शायद हमें सुपर एट या सेमीफाइनल्स में बिल्कुल सामने बिल्कुल सही। आकर हॉन्ट कर सकती है, उसके बारे में बात करना जरूरी है। लेकिन पहले जानते हैं फेस बाय फेस का। जरूर, एक से 6 ओवर की बात करें तो इंडिया ने 50 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, वहीं पाकिस्तान ने 35 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। ये फेस जो है ये पाकिस्तान के नाम रहा, क्योंकि इंडिया के लिए जो 2 विकेट गिरे थे उस पचास बहुत रन बड़े पे, नाम थे, आप नाम देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा का था, जिनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। यहीं पर बाबर आजम का विकेट गिरा 35 रन पर, जरूर इनका इम्पैक्ट इम्पैक्ट भी बहुत है। ऐसा नहीं बिल्कुल। है लेकिन कि यार एक चीज है, क्यों उन्होंने पाकिस्तान को दिया, क्योंकि उनके सामने टारगेट सेट था जरूर कि जरूर हमें जरूर 120 तक ही पहुंचना है। उस लिहाज से देखिए आप, तो आप पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस फेस को जरूर देना चाहिए। बिल्कुल। और 7 से 15 की बात करें तो इंडिया ने 47 रन किए 5 विकेट के नुकसान पर, वहीं पाकिस्तान ने 48 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। ये बिल्कुल आप स्प्लिट इसे करें तो बेहतर होगा, ना इंडिया का ना ही आप ये पाकिस्तान का, पर इंडिया यहाँ कमबैक करना शुरू कर रहा है। जी बिल्कुल जी हाँ, 11 से 15 ओवर में बहुत शानदार कमबैक कर रहा था। उसके बाद डेथ फेस की बात करें 16 से 20 की, तो 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर इंडिया ने बनाए, वहीं पर पाकिस्तान ने 30 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। और ये फेस जो है इंडिया के नाम रहा आउटस्टैंडिंग, इंडिया ने जो इसमें डिस्प्ले दिखाया है इस डेथ फेस में, कमेंडेबल था। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन के हिसाब से घटा है आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो लगभग तीनों ही फेस जो है पाकिस्तान के जी सामने जा रहे हैं, लेकिन हाँ नहीं, आपने बारीकी से मैच देखा होगा तो उस हिसाब से आप समझेंगे कि फेस बाय फेस आखिर में बिल्कुल किस तरह से स्प्लिट यहाँ पर करने की कोशिश की है, सिचुएशन क्या थे, कौन से प्लेयर आउट हुए हैं, ये सब चीजें देखने की बात है। अब मान कर चलिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आपने इमाद और शादाब का विकेट खो दिया है, और एक तरफ आपने रिजवान बाबर का विकेट खो दिया, तो दोनों में फर्क है बहुत कि सारे प्रेशर बहुत जो सारे होती है वो हमें देखने को भी आज मिला है। तो उसी तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट की, इंडियन टीम की बैटिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो डेफिनेटली रोहित और विराट कोहली को ट्राई किया गया है, पता नहीं ओपनिंग जोड़ी कितनी सक्सेसफुल होगी। कहीं ना कहीं हम ये बात कर रहे थे यार कि दोनों इतने बड़े प्लेयर्स को एक साथ एक ही पैदल पर आ जाना कहीं ना कहीं इंडिया को जो है वो डेंट ना करे। अब बाकी एक मैच से नहीं पता चलेगा, जी हाँ दो मैच हुए हैं लेकिन आगे और देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल दोनों मैचों में तो ये जोड़ी अभी तक फ्लॉप हुई है। बिल्कुल विराट बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल रन नहीं कर पाए, खराब शॉट था विराट कोहली बहुत का, खराब बहुत बहुत ही खराब खराब शॉट था, वो रेयर खराब शॉट्स खेलते हैं, लेकिन आज उन्होंने जरूर खराब जी शॉट हाँ खेला, जी हाँ। बहुत ज्यादा बाहर की बॉल लेकर जाकर चेस करने की कोशिश की और और सीधा उनकी हाथ में बॉडी दे भी रहे हैं। गिर रही थी, जी हाँ, बॉडी भी खेल रहे थे, तो बैलेंस भी उनका बिल्कुल बिगड़ रहा बैलेंस है। था नहीं, मारते वक्त जो है वो बॉडी आगे की तरफ जा रही थी, बजाय स्टैंड स्टिल होने के वो आगे की तरफ झुकते चले जा रहे थे और सीधा हाथों से। बिल्कुल, तो वो खराब शॉट था, उसे बैड शॉट कटिंग में डेफिनेट डाला। उसके बाद रोहित शर्मा ने एक सिक्स जरूर लगाया था उसी तरफ लेग की तरफ जो उन्होंने जी ग्लांस हाँ किया था, लेकिन वहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें फंसाया गया, वो जी वहां पर फील्डिंग लगाकर और जो कैच पकड़ी, निकल हारिस ट्रॉफी कैच हाँ पकड़ी जी थी, हाँ तो वहां पर रोहित शर्मा को बहुत ही अच्छी तरह से एक अच्छी फील्डिंग ट्रैप के किया जरिए ट्रैप किया गया, वो ट्रैप विकेट था रोहित शर्मा का वो एक सिक्स लगने के बाद। उसके बाद ऋषभ पंत की यहाँ बात की जाए तो 42 रन बोर्ड पर जरूर लगाए उन्होंने, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर
करते हुए वो नजर आए। इसमें से कम 25 से 30 रन उनके एड्स से आए। नो डाउट टी20 में रन मैटर करते हैं, कैसे भी आए, क्या हम शॉर्ट्स की बात नहीं करेंगे, इसमें हम जाते आप जानते हैं कि हम हमेशा कहते हैं कि टी20 क्रिकेट में आपने रन मैटर करते हैं, आप कैसे भी शॉर्ट मारे किधर भी मारे उसमें बात नहीं होगी। लेकिन ऋषभ पंत केस में हुआ क्या कि बहुत एज आए, बहुत कभी स्लिप से निकल रही है, कभी सेकंड स्लिप से, कभी गली से, लेकिन बहुत एज आए, कभी स्टंप के पास से निकल रही है। तो उनके 25 से 30 रन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो एज से गए हुए हैं, तो वो एक दिक्कत जरूर है। उतने ज्यादा आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथफुल वो नजर नहीं आए, जिस तरह के वो आयरन खिलाफ नजर आ रहे थे वो हमें यहाँ पर देखने को मिला, स्विंगिंग भी हो रही थी बॉल्स की, उन्हें काफी दिक्कत यहाँ पर जरूर हुई है। तो ये रहा ऋषभ पंत का वो क्लिनिकल इनिंग यहाँ पर देखने को, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर रहा, इसका आप क्रेडिट उनसे ले सकते हैं। 42 रन लो स्कोरिंग गेम में बहुत ज्यादा हो जाता है। अक्षर ने भी 18 गेंद में 20 रन किए, लेकिन यार बहुत ही खराब शॉट था उस वक्त को देखते हुए। नहीं बिल्कुल सही कहा है, बहुत पुअर शॉट था, उससे बचा जा सकता था और लंबी इनिंग हो सकती थी। वहाँ गैर जिम्मेदाराना शॉट था ये बिल्कुल अक्षर पटेल का, और अच्छा खासा एक पार्टनरशिप होती उसके बाद आप स्ट्राइक करते तो बेहतर होता है। डेथ फेस तक जाने का प्लान होना चाहिए था अक्षर और ऋषभ की जोड़ी को, पर ऐसा हुआ नहीं। यही सब चीजें हैं जो आगे चलकर बहुत बड़ी बनती है। और यहाँ इंडिया की, इंडियन टीम की बात कर रहे हैं यहाँ, तो वो कप के लिए आए हुए हैं और उनका मिशन कुछ और है यहाँ पर, तो वो कप जीतने से जो चीजें रोकती है उनमें से एक ये चीज है, जैसे अक्षर पटेल ने जो शॉट खेला गैर जिम्मेदाराना शॉट। बिल्कुल सही कहा, ये सब चीजें फिर नॉकआउट में खलती है तो लोग सोचते हैं अचानक से क्या हो गया, वो चीज आपकी जीत में भी थी, जीत में क्या है लोग ढक देते हैं चीजों को इसीलिए, लेकिन डेली क्रिकेट आप जानते हैं ये चीजें जरूर उठाता है, चाहे आप टीम जीती हो चाहे हारी हो। सूर्य कुमार यादव की बात करें, गैप निकालने की कोशिश करी थी लेकिन सीधा हाथों में वो कैच थमा लेंगे, लगातार दो फ्लॉप रहा उनका, आयरन खिलाफ भी लगातार थे यहाँ पे भी उनके फ्लॉप गए, तो उनपे जो प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अभी ना सही, नेक्स्ट मैच इतने बड़ी टीमों के साथ नहीं है, लेकिन सुपर एट में शायद हमें ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। शिवम दुबे उनका आउटिंग बिल्कुल खराब रहा, सिर्फ 3 रन, हार्दिक पांड्या का 7 रन, रविंद्र जडेजा वो आईसीसी में वैसे भी कुछ खासा करते नहीं है, ओवर हाइप प्लेयर है बैट से, वो वैसे भी कुछ नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा हाइप कर दिया जाता है उनको ऑलराउंडर, वो आईसीसी इवेंट्स पर बिल्कुल भी बड़ा ऑलराउंडर है नहीं। उसके बाद अर्शदीप ने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन जरूर दिया 9 रन का, और वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन साबित भी, बहुत अच्छा साबित हुआ है, क्या कहेंगे आप, बहुत अच्छा साबित हुआ है, जिस तरीके से वो लास्ट में बल्ले को लगा रहे थे बॉल से, बहुत इंपॉर्टेंट रन थे 9 रन, उस वक्त लगा होगा कि क्या होगा इस रनों से, लेकिन ये बहुत बड़ा एक जो इन्होंने 9 रन की इनिंग खेली है, ये बहुत सिराज सात रन ये बहुत क्रूशियल है, इन दोनों की जो छोटी सी पार्टनरशिप वहां हुई है और 120 तक इन्होंने पहुंचा है। बिल्कुल वो तब नहीं लगाएगा, लेकिन अब जब जीत गई है टीम तो रन से जीत गया तो डेफिनेटली ये 16 रन 9 और 7 सिराज की मिलाकर ये बहुत ज्यादा अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एंड पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए, 120 रन पर टीम को रोक लिया, इंडियन टीम को यहाँ पर रोक लिया है, आपको क्या लगता है क्या काफी अच्छे खासे रोक लिया था या उससे भी और गुंजाइश थी विराट और रोहित के बहुत जल्दी कमी दिन भेजने के बाद? नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप प्लेयर देखिए, आज एक दुनिया की सबसे बड़ी लीग के स्टार प्लेयर से सजी हुई इंडियन टीम को आपने 120 पे रोक दिया है, ये बहुत बड़ी जीत हो जाती है, ये आपकी खुद में एक बहुत बड़ी जीत है। रोहित विराट को आपने पेविलियन भेजा, जरूर कुछ पार्टनरशिप वहां पर हुई रोहित अक्षर ऋषभ के भी, लेकिन नहीं ये एवरेज स्कोर है, बिना एवरेज आप स्कोर मान के चले तो 120 है यहाँ पर, लेकिन उसमें भी ये इतनी बेहतरीन तरीके से जो बॉलिंग कराई है पाकिस्तान के बॉलर्स ने, क्रेडिट नहीं छीन सकते अब। नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, मोहम्मद आमिर है, कमेंडेबल बॉलिंग कराई है इन तीनों बॉलर्स ने। शाइन को थोड़ा सा और बेहतरीन उनका एक स्पेल हो सकता था जितना उनका हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने भी रन्स इतने नहीं दिए हैं, पर नसीम हारिस और आमिर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई है, बहुत अच्छी। ये एक झटका है बॉलर ग्रुप के लिए जो बल्लेबाजों ने दिया है पाकिस्तान के बॉलर्स को। बिल्कुल सही कहा आपने, बॉलर्स का एफर्ट काफी खास करके बेसिस का एफर्ट काफी शानदार रहा है, और हमने हमारे डेलीग्रेट फेसबुक पोज पेज पे भी आज कहीं ना कहीं ये चीज कही थी कि स्पिनर्स जो होंगे पाकिस्तान के वो तो स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, और देखिए आज भी जो स्पिनर उनको उनको विकेट ही नहीं मिले हैं, सिर्फ 4 ओवर कराए स्पिनर्स ने, उसमें 24 रन खर्च कर दिए लेकिन विकेट कोई भी नहीं निकाल पाए, 2 स्पिनर मिलाकर इफ्तिकार और इमाद हुसैन। अब बात करते हैं यहाँ पर चेस की, चेस की पाकिस्तान की अगर बात की जाए यार, तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम एक थोड़ी सी एक शुरुआत जरूर दिखाई, पार्टनरशिप जरूर हुई 13 रन पे, बाबर जो है वो एक स्लिप में उनका कैच आउट में हो गया, बाबर यहाँ पर एक और बार फ्लॉप हुए, ज्यादा 21 भी जरूर चले थे लेकिन अभी रिसेंटली 2 लगातार इनिंग्स में वर्ल्ड कप 2023 में गए, उनके बल्ले से रन निकले नहीं, इस तरह के सिचुएशंस में ही बाबर का जो है टेस्ट है वो निकल कर आता है।
बड़े प्रेशर गेम्स में, अंडर प्रेशर गेम्स में, नॉकआउट्स में, इस तरीके के इवेंट्स पर जाओ, बल्ले से रन निकलेंगे तो आप एक बहुत अलग लेवल के प्लेयर बनते हैं, और वो अभी बाबर की बल्ले से अभी रिसेंटली देखने को मिलता नहीं है, और कहीं कहीं मिलता तो बहुत देर हो जाती है और कभी कभी तो मिलती ही नहीं है, खास करके इस तरीके के अंडर प्रेशर गेम्स की अगर हम बात करें। उसके बाद यहाँ पर उस्मान खान आए, एक बहुत अच्छा मौका था, मैं और अहम बात कर रहे थे इसी बारे में, क्या है उस्मान के पास क्या मौका है, आज सोच के देखिए उनके पर्सपेक्टिव से, आप सोचिए कि आज अगर वो यहाँ पर एक अच्छा स्कोर कर देते हैं तो क्या जबरदस्त वो बेंचमार्क एक सेट कर देंगे अपने लिए, कि हाँ उनके लिए फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट नजर आएगा। लेकिन उनके शॉट्स आपने देखे बिल्कुल बेतुके से नजर आए कि वो बल्ला कहाँ लगा रहे हैं, स्टंप ऑलरेडी दिखा रहे हैं और समझ नहीं आया क्या कि वो शॉट क्या खेलने की कोशिश कर रहे हैं, सिवाय एक हार्दिक पांड्या पे जिन्होंने बाउंड्री मारी थी, उसके अलावा उनकी बैट और बॉल का कोई कनेक्ट बन ही नहीं रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने, और प्रेशर इसका रीजन ही और कुछ प्रेशर भी है, और जो उन्होंने फील्डिंग से भी थोड़ा सा जो उनके साथ हुआ कैच भी छोड़ी उन्होंने, फील्डिंग भी उनसे मिस हुई है, उसका प्रेशर रहता ही है। आप ये हो सकता है बहुत बड़ा गेम है, इतना ज्यादा चढ़ाव कर देना उस्मान खान पर जरूर है, हाँ वन डाउन आपको भेजा है, गुस्सा भी होंगे, नाराजगी भी होगी, होना भी चाहिए, जरूर होना चाहिए, बड़ा मैच, बहुत बड़ा मैच है, यहाँ गलती की गुंजाइश बहुत बहुत कम रहती है, पर फिर भी थोड़ा सा दिल्ली क्रिकेट जहां तक उम्मीद रखता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट आप थोड़ा सा दे सकते हैं, कि उनको आदि नहीं है, वो अचानक इस वर्ल्ड कप में आए और इतने बड़े मैच में खेलेंगे तो कोई भी कांप जाएगा, बहुत मुश्किल होता है अपने नर्व्स को काम कर पाना, ये तभी हो पाएगा जब आप थोड़ा सा पुराने बन जाए टीम में, तब ये चीज हो सकती है। बिल्कुल, उसके बाद फकर जमा यहाँ पर आए और उन्हें एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट बॉल में हार्दिक पांड्या, लेकिन फकर जमा के अगर आप फकर जमा के प्रस्पेक्टिव से देखेंगे तो यार उन्होंने भी अपना विकेट थ्रो किया, बिल्कुल कहाँ आगे आकर चार पांच कदम निकाल कर वो शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता है कि रिजवान एक छोर से मुझे उनका साथ देना है। बिल्कुल जी हाँ, बहुत ज्यादा उनको लगा शायद ये बॉल थोड़ा सा आगे आएगी तो कमर तक आएगी तो मैं इसको उठाकर स्क्वायर लेग की तरफ भेज सकता हूँ, लेकिन उन्होंने शॉर्ट बॉल डाली हार्दिक ने, बहुत अच्छा दिमाग का उन्होंने इस्तेमाल किया, कंफ्यूज किया फखर जमा। बिल्कुल, उसके बाद जोड़ी आई उसके बाद रिजवान कहीं ना कहीं क्लीन बोल्ड हो गए, शॉट उनका भी खराब था, क्रॉस खेलने के लिए चले गए और उस बॉल और डीप जाना चाहिए था, रिजवान और डीप जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह की इनिंग्स में जितना आप डीप जाएंगे उतना ही जीत आपके पास आएगी, कल ही मिलर ने एग्जाम्पल सेट किया है और अभी आप इस चीज को भूल गए, कल ही आपके पास एग्जाम्पल था उसको आप देख कर सकते हैं, जितना डीप आप जाएंगे उतना आपके मैच जितने चांसेस होंगे, लेकिन रिजवान ने बहुत जल्दी शॉट लेने स्टार्ट कर दिए और कहीं ना कहीं वो क्लीन बोल्ड हो गए बुमराह की आते ही पहले ही बॉल पर अक्रॉस खेलने के चक्कर में। उसके बाद बात करें इमाद और शादाब की जोड़ी क्या कर रहे थे, वही जानते ना उनसे स्ट्रोक लग रहा है कुछ, इमाद वसीम जैसे हम कहते हैं कि एक्शन आपके जो है वो आपके बोली से ज्यादा होने चाहिए, वो हमें देखने को नहीं मिला। इमाद वसीम के क्रूशियल मैच में 23 गेंदों में बस 15 रन, मेरे ख्याल से शायद उनकी तरफ से कोई बाउंड्री या एक चौका सिर्फ आया है और वो भी एज का चौका है, मुझे जी हाँ बस बाकी 22 गेंदों में उनसे कोई ना शॉट लगा ना कुछ लगा ना कोई बाउंड्री लगा, ये इनिंग से वही डिस्क्राइब कर सकते हैं कंप्लीटली, उन पर भी पूरा ब्लेम जरूर जाएगा, 23 से उन्होंने यूज की है और मैच 15 रन उन्होंने बनाए हैं और क्या इनिंग वो खेल रहे थे सिर्फ वही जानते हैं। दो खराब मतलब खराब तो नहीं लेकिन लीग से हटकर ओवर भी आए थे हार्दिक और अक्षर का, उसमें भी उनसे रन नहीं बने तो बहुत बुरा हाल है। और उसके बाद इफ्तिकार वगैरह सब जो और फिर जो प्रेशर बिल्डअप होता चला गया वो प्रेशर लास्ट तक गया ही नहीं, इससे बेटर तो शायद नसीम उन्होंने फिर से दिखाया कि उन्हें बैटिंग करनी आती है, एक काम करिए लोअर ऑर्डर में नसीम पे थोड़ा काम करिए बैटिंग पर, उन्हें ऊपर शुरू करिए, बहुत काम आएंगे। बिल्कुल सही कहा है आपने, छठे डाउन पे उन्हें भेजा जा सकता है, आराम से भेजा जा सकता है, ये सब ओवर हाइट है नीचे और वो एक बार नहीं कर चुके हैं, दो तीन बार कर चुके हैं वो ऐसा कि नीचे उन्होंने दो छक्के तीन चौके लगाए हैं लगातार और आज भी चार बॉलों में 10 रन कर दिए और 9 बॉलों में इफ्तिकार से रन ही नहीं पड़ रहे। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है, जब वो दिखा रहे हैं कुछ ग्लिम्स लगातार तो उनपे काम होना चाहिए। बिल्कुल बैटिंग प्रैक्टिस कराइए उन्हें, बैटिंग ऑर्डर पे थोड़ा सा अप करिए, ये चीजें होती हैं जो शार्प आप तेजी से पकड़े और ये चीजें पर्सनली पर्सन माइलस्टोन में लगे हैं तो कहां से इन सब में ध्यान। बिल्कुल चल इस पे भी बात जरूर होगी, पाकिस्तान के आगे जैसी चीजें होगी उस पे भी बात जरूर होगी। एंड बॉलिंग की बात करते हैं, इसमें आपसे सीधा जानना चाहूंगा, 120 रन डिफेंड करने थे, इतना रन थे नहीं लेकिन एक उम्मीद थी कि हाँ बॉलिंग यूनिट जो है वो काफी अच्छा है, लेकिन एक वक्त पर 60 पर एक थे, वहां से इंडिया ने ये सफर कैसे तय किया, बॉलिंग में क्या हुआ है आप जरूर समझाने की कोशिश। नहीं बिल्कुल सही कहा है, देखिए बुमराह को इसका क्रेडिट बहुत जाएगा, बुमराह ने जिस तरीके से आकर मैच को बदला बिल्कुल ही एक अलग ही मोड़ पर उन्होंने मोड़ दिया, हार्दिक पांड्या ने
बहुत क्रुशियल टाइम पर वो विकेट डाले। फखर जमा का, शराब खान का बिल्कुल मैच बिगाड़ सकते थे वो इंडिया के लिए, खास करके फखर फखर जमा बिल्कुल बिगाड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने वो बॉल एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि हार्दिक वो बॉल वो डाल देंगे। तो बहुत अच्छा उन्होंने दिमाग को पढ़ा है, इन दोनों की तारीफ बिल्कुल बनती है। और सिराज ने भी वहाँ कॉन्ट्रीब्यूट किया, रन नहीं दिए, इतने छोटे से मैच में भी रन ना देना ये बहुत अच्छा है, विकेट मिलता तो और अच्छा रहता, बहुत जल्दी इंडिया इस मैच में चढ़ाव कर पाता पाकिस्तान में, पाकिस्तान पर। पर बुमराह और हार्दिक ने जिस तरीके की बॉलिंग कराई है वो बहुत शान, बिल्कुल बुमराह की सेकंड स्पेल रहा आते ही उन्होंने रिजवान को निकाला, वो बहुत क्रूशियल फैक्टर था। लेकिन उससे पहले फखर जमा को जो हार्दिक ने आउट किया वो भी एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया के पर्सपेक्टिव से, अगर आप देखेंगे कि इंडिया इस गेम में वापस कैसे आया 60 पे के बाद से। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट बॉलर्स का, वेल डन दोनों ही टीमों के बॉलर्स का, लेकिन दोनों ही टीमों के बैट्समैनों ने डिसअपॉइंट जरूर किया है। और सिर्फ ये नहीं कि चैलेंजिंग पिच के बारे में बिल्कुल नहीं, बहुत शॉट्स भी खराब थे, आपको समझा कि किन किन होंगी, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो अब डिपेंडेबल टाइप का टाइम हो गया, वरना उनके हाथ से चीजें अब निकल गई। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, कांग्रेचुलेशन इंडिया इस हाई वोल्टेज मैच के लिए, और मेरे ख्याल से 6-1 था, जी हाँ अब 7-1 T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, वेल डन गाइस। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, बंद रही के चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरीके की रियल और डिटेल्ड एनालिसिस हार जीत पे भी आपके सामने सिर्फ और सिर्फ बेवरेज प्रेजेंट करता है और कोई भी नहीं। बाय।